अब हम बात करेंगे दोस्तों अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को लेकर। इसमें अलग अलग स्थितियों पर विचार करेंगे। हम फर्स्ट स्थिति लेके चल रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए, मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, ये ओ मैंने इसका ध्रुव दिखाया, एफ मैंने फोकस बिंदु दिखाया और सी मैंने दिखाया इसका वक्रता केंद्र। अब देखिए, वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से वस्तु से केवल हमारे पास समांतर किरणें चलकर आती हैं। जैसे मैं कोई पास की वस्तु देखता हूं तो मुझे आंखें थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी, उस वस्तु से चलने वाली किरणें कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन वस्तु जब अनंत पर होगी, बहुत दूर पर होगी, तो हमें बिल्कुल मुंह को बिल्कुल सीधा करके देखना पड़ेगा, उससे चलने वाली किरणें बिल्कुल समांतर किरणें आती है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उससे केवल समांतर किरणें चलती है। तो देखिए, ये हमारे पास पहली किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर डाली मैंने, ये कहां से गुजर जाएगी, ये फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही थी, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी फिर ये कोई किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये भी परावर्तन के बाद कहां से गुजर जाएगी, यहीं से गुजर जाएगी। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काट रही है, दोनों परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जिस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए, दोनों किरणें, ये किरण समांतर चलकर आई, इस तरीके से गुजरी फोकस पे, ये अनंत से केवल समांतर किरण आती है। इसलिए मैंने पहला नियम ही दो बार काम में लिया है। मैंने यहां भी दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां से गुजरेगी, वही फोकस बिंदु से। तो दोनों किरणें कौन से बिंदु पर काट रही है, फोकस बिंदु पर काट रही है, और वास्तव में काटती हुई नजर आ रही है। तो यहां जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वो बनेगा वास्तविक, वास्तविक के साथ हमेशा बनता है उल्टा, याद रखेंगे। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और वस्तु से बनेगा बहुत ही छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। भाई जब कोई वस्तु हमसे बहुत दूरी पर हो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और बिल्कुल सीधी सड़क है मेरे सामने, और वहां से एक ट्रक दिखाई दे रहा है मुझे आधे किलोमीटर दूर से, तो आपको ट्रक का छोटा सा प्रतिबिंब नजर आता है। तो वस्तु अगर अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। और कहां बन रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे फोकस के ऊपर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है हमारे पास, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस के ऊपर, ठीक है। ये हमने पहली स्थिति पढ़ी, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई। दूसरी स्थिति है, जब वस्तु सी से परे हो तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया, ठीक, इस तरीके से ये हमारे पास ध्रुव हो गया इसका ओ, ये फोकस बिंदु हो गया एफ, और ये वक्रता केंद्र इसका जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल, ये हमारे पास हो गया वक्रता केंद्र सी। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वस्तु सी से परे हो। तो दोस्तों, वस्तु यहां रख दें आप, सी से थोड़ा दूर रख दें इस तरीके से, इस वस्तु को नाम दें आप ए, और इस वाले भाग को नाम दे दो बी। ए बी हमारे पास कोई वस्तु है जो सी से परे रखा हुआ है, सी से दूर। पहले हमने रखी थी अनंत पे, इसलिए मैंने वस्तु को दिखाया नहीं था, अब मैं रख रहा हूं सी से परे। तो पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस बिंदु से गुजरेगी, इस तरीके से। इसको थोड़ा बड़ा बना लो ताकि डायग्राम में थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, इस तरीके से। ये वस्तु है हमारे पास ए बी। पहला नियम कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस बिंदु से गुजरती है, तो फोकस बिंदु से गुजार दो इसको, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा नियम, इसका उल्टा लगा दो, भाई ये वस्तु है, इसमें कहीं से भी किरण निकल सकती है। दूसरा यहां से लगा दो कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरीके से निकलेगी। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो क्या किरणें, दोनों किरणें क्या वास्तव में यहां काट रही है क्या, तो यहां हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरीके से। ध्यान देना है दोस्तों, ऐसे समझ लो ये नीचे पैर है, ऊपर मैंने सिर के ऊपर टोपी पहना रखी है, यहां नीचे पैर और ऊपर टोपी, ऊपर सिर मतलब आदमी सीधा खड़ा है। यहां देखिए, यहां टोपी मैंने नीचे की तरफ लगाई है, मतलब
ऊपर पैर है और नीचे सिर है, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, और किरणें वास्तव में काट रही है, तो हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ बनेगा हमारे पास वास्तविक बनेगा, और मैंने कहा कि वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। और वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी थी, थोड़ी बड़ी थी वस्तु, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब को नाम दे दूंगा मैं ए डैश और अब की बार बी डैश। ए डैश, देखो ये पैर था तो पैर थे यहां पर, तो पैर की जगह पैर ए डैश, ऊपर यहां ऊपर सिर ऊपर था, टोपी ऊपर पहन रखी थी लेकिन ये टोपी नीचे, तो इस प्रतिबिंब को नाम दिया मैंने ए डैश और बी डैश। तो कैसा बना? वास्तविक उल्टा बना, वस्तु से कैसा बना? छोटा बना। कहां बन रहा है? तो हम कहेंगे सी और एफ के मध्य बन रहा है, तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो हम कहेंगे सी व एफ के मध्य। ठीक है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, सी और एफ के मध्य। अब देखिए इसमें तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, पहला हमने कहां रखा उसको? अनंत पे, फिर थोड़ा शीश के थोड़ा पास में रखा, अब मैं इस वस्तु को सी के ऊपर ही लाकर रख देता हूं। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु, आप बोल दो इसको दोस्तों, जब वस्तु वक्रता के अंदर, जब वस्तु वक्रता के अंदर, और वक्रता के अंदर को किससे दर्शाते हैं? सी से। जब वस्तु वक्रता के अंदर सी, या फिर इस दूरी को दोस्तों हम 2f भी कह सकते हैं, जब वस्तु सी या 2f, क्यों? क्योंकि ये दूरी f और ये भी दूरी f, तो टोटल दूरी हमारे पास 2f हुई कि नहीं हुई? तो कई जगह आपको वक्रता के अंदर सी लिखा हुआ मिलता है, कई जगह 2f लिखा हुआ मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस दूरी को ये ये जो सी और ओ के जो मध्य की दूरी है, इसको हम 2f से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब वस्तु वक्रता के अंदर सी या 2f पर हो, 2f पर हो, तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ठीक, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, सॉरी इसका ध्रुव है O, ये फोकस बिंदु हमारे पास F, और ये मान लेता हूं कि इसका वक्रता केंद्र है हमारे पास C। अब की बार में जो वस्तु है उस वस्तु को C के ऊपर ही रखे चल रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रखे चल रहे हैं। तो देखिए पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, नाम दे दो इसको A और ये हमारे पास बी। तो हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण किसी दर्पण के ऊपर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरना पसंद करती है। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। दूसरा नियम इसका उल्टा लगा दो कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित हो रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण है फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित हो रही है, इस तरीके से फोकस बिंदु से दर्पण पर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये जो किरण है ये हमारे ये काट देगी, यहां काट देगी, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए फोकस बिंदु से दर्पण पर आ रही थी तो परावर्तन के पास इस तरीके से जाएगी, तो यहां ये हमारे पास प्रतिबिंब बना इसका ये, और इस प्रतिबिंब को नाम दे देंगे हम ए डैश और क्या नाम दे देंगे? बी डैश। ठीक है, तो देखिए यहां कैसा होना, किरणें वास्तव में काट रही है, तो हम कहेंगे वास्तविक, वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और यहां जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है दोस्तों वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर, जितनी ए बी की ऊंचाई होगी उतनी हमारे पास ए डैश बी डैश की ऊंचाई होगी। आप इसको स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट बराबर निकल के आएगा, जितनी ए बी की हाइट होगी उतनी ही ए डैश बी डैश की हाइट होगी। तो वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु के बराबर, और बना कहां? तो हम कहेंगे प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। तो सीखने वाली बात क्या हुई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। चौथी स्थिति देखिए दोस्तों, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, तो ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये हमारे पास ध्रुव है इसका ओ, ये फोकस बिंदु है एफ,
और ये वक्रता केंद्र है सी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को रखेंगे सी और एफ के मध्य। यहां रख देता हूं मैं वस्तु को इस तरीके से कुछ, ये हमारे पास ए है और ये है हमारे पास बी। सी और एफ के मध्य रख रहा हूं, या इस सी को 2f भी बोलते हैं, 2f दूरी होती है भाई, ये वाली दूरी f और ये वाली दूरी f, तो c की जगह आप 2f भी लिख सकते हो, a की बात है। तो कई बार ये भी इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलता है, कई बार ये भी लिख देता है कि जब वस्तु 2f व f के मध्य, a की बात है। ठीक है, अब देखिए पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से गुजरना पसंद करेगी इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या लग सकता है इसमें, दूसरा नियम वही लगा दो कि फोकस बिंदु से अगर आती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी वो, इस तरीके से जाएगी वो। तो हमारे पास इसको थोड़ा बीम को सीधा कर लेते हैं हम इस तरीके से, इस तरीके से ध्यान दें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से गुजरी, फोकस से, दूसरा फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष की हो जाएगी ये समांतर, तो दोनों किरणें यहां काट रही है क्या। तो देखिए प्रतिबिंब हमारे पास यहां बना, इसको नाम दे देंगे क्या ए डेस, और क्या नाम दे देंगे इसको बी डेस। तो कैसा बना, किरणें वास्तव में काट रही है तो बनेगा वास्तविक, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा। अब बोलो वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, तो हम कहेंगे कि वस्तु से बन रहा है बड़ा, वास्तविक बना उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना और बना कहां प्रतिबिंब, सी से थोड़ा इधर बन रहा है तो हम बोल देंगे सी से परे, सी से परे। तो देखिए वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा और कहां बनेगा सी से परे। तो आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, अनंत पर था तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदुवत, एक बिंदु की तरह। फिर वस्तु को सी से थोड़ा सा, मतलब अनंत और सी के बीच में, मतलब सी से थोड़ा परे रखा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना, लेकिन अनंत की तुलना में थोड़ा बड़ा बना। ठीक है, जब सी पर लाया तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर हो गए। अब वस्तु को जब और पास में लेके जा रहा हूं दर्पण के, तो हमारे पास और बड़ा प्रतिबिंब बनता जा रहा है। तो जैसे जैसे वस्तु को अनंत से पास में लेते जाएंगे हम, वैसे वैसे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें नजर आता है। ठीक है, तो अब देखिए चौथी स्थिति पढ़ दी हमने कि जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सी से दूर बनेगा। अब देखिए पांचवी स्थिति, अब मैं क्या करता हूं, ये जो वस्तु ए बी है इसको मैं फोकस में उठा के रख देता हूं। देखिए पांचवी स्थिति, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तो ध्यान दें ये हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है, ये मैंने इसका ध्रुव लिया ओ, ये इसका फोकस बिंदु लिया मैंने एफ, और ये मैंने इसका वक्रता केंद्र लिया सी। अब मैं वस्तु रख रहा हूं एफ पे, एफ पे फोकस पे इस तरीके से, नाम दिया ऑब्जेक्ट को ए और बी। तो पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से गुजरना पसंद करेगी, ये फोकस से गुजरना पसंद करेगी। अब देखिए दूसरा नियम काम कर रहा है क्या, कि जब किरण फोकस या फोकस से किरण कैसे आएगी इसमें, तो दूसरा नियम हमारे पास फेल हो गया। तो तीसरे नियम की ओर चलते हैं, तीसरा नियम ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण सीधा वक्रता केंद्र पर आती है, इस तरीके से हमने पढ़ा था तीसरा नियम, या बाकी जो शेष दो बच गए तीसरा और चौथा, उसमें से आप कोई सा भी नियम काम में ले सकते हैं, तीसरा नियम भी काम में ले सकते हैं और आप चौथा नियम भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरा नियम काम में नहीं आएगा, जो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तो यहां तो वक्रता केंद्र तो यहां रह गया, जबकि किरण तो वस्तु से चलकर चलती है। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और हमारे सामने ट्रक आया तो हमें पता कैसे चला, इसका मतलब ट्रक से चलने वाली किरणें, परावर्तित किरणें जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, जब उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहां हमारे पास एक ही नियम बचता है चौथा, क्या कि जितना कोण ये वस्तु, ये सीधा ध्रुव पे डालो तो जितना कोण इधर से बनाई उतना ही कोण इधर से बनाते हुए ये किरण निकल जाएगी। तो देखिए ये जो दोनों किरण है, यहां से ये जो दोनों किरण है, जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण हमारे पास ये बनेगा, तो ये जो किरण है ये बिल्कुल इसके समांतर निकल जाएगी। तो ये किरणें न तो कहीं आगे जाकर काटेगी, बिल्कुल समांतर है, न तो कहीं आगे काटेगी
और इन दोनों किरणों को अगर मैं सीधा का सीधा पीछे बढ़ाता हूं तो ना ही ये पीछे काटेगी। समझ में आ रही है बात? तो हम कहेंगे कि इसके अंदर प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा वास्तविक, वास्तविक के साथ बनेगा उल्टा, और ऐसा लगेगा जैसे यहां तो काट नहीं रही और इससे कहीं बहुत दूरी पर जाके आगे कहीं जाकर काटेगी, ये अनंत पर जाकर कहीं काट रही होगी इधर, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा, और अब देखो आगे कहीं काटेगी ये, तो यहां से अगर फिर मैं उसको मिलाऊंगा तो प्रतिबिंब हमें बहुत बड़ा नजर आएगा। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ बनेगा कहां पर? तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनेगा? हमारे पास अनंत पे बनेगा। तो देखिए वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बहुत ही बड़ा बना, और बनेगा कहां पर? अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने पांच स्थितियां पढ़ी। एक और स्थिति है इसके अंदर छठी, हमने अवतल दर्पण का एक उपयोग पढ़ा था कि डॉक्टर्स द्वारा नाक कान गले के ऑपरेशन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने छह स्थितियां पढ़ी यहां अवतल दर्पण को लेकर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर्स अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति का उपयोग नाक कान गले के ऑपरेशन में करते होंगे। तो देखिए हमने इससे पहले जो पांचों स्थितियां पढ़ी उनमें समय वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। अगर सोचिए कोई डॉक्टर नाक का ऑपरेशन कर रहा है और उसमें नाक का उल्टा चित्र अगर बने तो डॉक्टर को तो काम करने में और ज्यादा दुविधा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यही स्थिति है जिसका उपयोग डॉक्टर्स नाक कान गले के ऑपरेशन में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और साथ ही साथ बड़ा भी बनता है। मतलब जैसी चीज है, जैसी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसी वस्तु है, उसका वैसा का वैसा ही बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, तो उससे क्या है, काम करने में सुविधा हो जाती है। तो डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन के अंदर अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति का प्रयोग करते हैं? तो हम कहेंगे इस वाली स्थिति का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से सेट करते हैं उसको कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस अंग का ऑपरेशन करना है, वो इसकी फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए, ताकि उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब नजर आए।